हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी शालिमा। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब तो कह ही देते हैं। और चलो फिर स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। खैर, बहुत लोगों को स्टोरी का इंतज़ार होगा, बहुत लोगों को नहीं भी होगा, बहुत लोग किसी और स्टोरी का इंतज़ार कर रहे होंगे। बट खैर, आज थोड़ा मैंने सोचा कि इंतज़ार करवा ही लेते हैं और थोड़ा ज़्यादा करवा लेते हैं। थोड़ा क्या, थोड़ा से ज़्यादा ही। तो हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है। भोपाल का मौसम का हाल यही है। और आप सब बताएं कि आपके यहाँ का हाल क्या है और आप सब का हाल क्या है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अरे यार, कितना बोल दिया ना मैंने। चलो प्रीवियस पार्ट देख लेते हैं। हाँ, बट प्रीवियस पार्ट से पहले प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मेरी स्टोरी सुनने के लिए भाई ये तो करना पड़ेगा ना कि आगे की स्टोरी वो सुन सको, जान सको। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में आप सब ने देखा कि हमारी प्रियंका अनंतिका को कंसोल कर दिया, मतलब फ़ोन पे, और उसमें हमारी प्रिया भी होती है, एक दूसरे से बात होती है। वो कहती हैं कि थोड़ा दो वक्त दो, जिससे कि थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, ऑब्वियसली लगेगा। और ये सब समझाने के बाद कहती हैं कि मैं सब ठीक कर दूँगी, और माहौल को लाइट करने के लिए थोड़ा सा मस्ती मारती हैं। देन अब आगे, तो चलिए अब इतना सब कुछ एक बार में ही बता दिया तो आगे की भी स्टोरी बता ही देती हूँ। तो आगे की स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि, तो प्रीवियस पार्ट तो बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस पार्ट तो सुन लिया। तो हमारी अनंतिका को हमारी प्रियंका समझाती हैं, इधर प्रिया को बोलती हैं कि प्लीज़ प्रिया संभाल लेना। तो कहती हैं हाँ प्रियंका, मैं संभाल लूँगी, डोंट वरी, आप अपना ध्यान रखना। और वो उधर से कॉल कट कर देती हैं। और फिर हमारी अनंतिका थोड़ा सा परेशान हो के कहती हैं, यार प्रिया तुझे भी पता है, मुझे भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तुझे तो पता है कि सिमरन के घर वाले कैसे हैं, और प्रियंका दी को भी अच्छे से पता है कि उनके घर वाले कैसे हैं। तो कहती हैं कि तू प्रियंका के बात पे भरोसा तो रख यार, वो अगर भूल रही है कुछ, अगर कह रही है तो कुछ तो सोच समझ के ही कह रही होगी ना। खैर ठीक है, अपना ध्यान रखना, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग सुबह। तो कहती हैं कि ठीक है। फिर इधर ये फ़ोन रख देती हैं और सुबह का बोल के कि सुबह मिलते हैं। और इधर जो हमारी अनंतिका होती हैं वो काफ़ी परेशान होती हैं, इधर सिमरन भी काफ़ी परेशान होती हैं। तो उनके कमरे में उनके डैड जो हमारे राहुल कुमार जी होते हैं वो आते हैं, और देखते हैं कि अनंतिका काफ़ी परेशान होकर खिड़की पे खड़ी होके वो कुछ सोचने या समझने की कोशिश कर रही हैं बट उनको समझ नहीं आ रहा होता है। तो वो आते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या हुआ। तो कहते हैं कि डैड मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपना पैर कैसे सिमरन के घर वालों को समझाऊं। खैर सिमरन को समझाने में मुझे इतना वक्त लग गया, तो उसके पिताजी, उसकी मॉम, कैसे क्या करूं मैं। तो कहती हैं कि ऐसे हार मान जाने से तो कुछ होगा नहीं, और बस हाथ पे हाथ रखने से भी कुछ नहीं होगा। तो कहती हैं कि तो फिर क्या करूं मैं। तो कहती हैं कि सॉरी उनके डैड कहते हैं कि तुम्हें कुछ ना कुछ उसके लिए तो उपाय लगानी पड़ेगी। तो कहते हैं कि कैसी उपाय डैड, आप प्लीज़ मुझे साफ साफ शब्दों में समझाएंगे, ऐसे गोल गोल बातों में ना घुमाते हो। तो कहते हैं कि देखो, वो तुम्हें दूर से जानते हैं, तुम्हारी अच्छाई को नहीं जानते हैं, मगर तुम्हारे अंदर कितनी बुराइयां हैं वो ज़रूर जानते हैं। तुमने जो बीते वक्त में किया है उनके दिमाग में, उनके जहन में तुम्हारे इस गंदे व्यवहार और एक गलत छवि बनी हुई है उनके मन में। और किसी को समझाने के लिए, किसी के समझ को बदलने के लिए हमें उसके करीब जाना होता है,
या अगर किसी को गहराई से जाननी हो या समझानी हो तो हमें उसके करीब रहना पड़ता है। तो ऐसे बोल के कहते हैं कि इस बात पे गौर ज़रूर करना, तो वो कह के चले जाते हैं और हमारी जो अनंतिका होती है उनके बातों को सोचने लगती हैं, कहती सोचती हैं कि मतलब डैड कहने का मतलब क्या था। तो सोचने के बाद उनको फिर बात देन थोड़ी देर सोचने समझने के बाद समझ आता है कि क्या डैड ये क्या रहते हैं, ओ माय गुडनेस ऐसा। तो वो जाते हैं और इधर अपना बैग पैक करने लगती हैं और वो फ़ोन करती हैं प्रियंका को और कहती हैं कि दी मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ अपने घर चलें। पर क्यों अनंतका? तो कहती हैं कि बस चले तो सही। तो कहती हैं कि ठीक है, उनको लेके वो जाती हैं। तो जाने के बाद ऐसा होता है कि उनके सिमरन के घर का डोरबेल वो बजाती हैं और इधर इनके डैड जब उनको समझा के आए होते हैं तो वो उसके बाद देन ऑफिस चले गए होते हैं। इधर प्रिया भी मॉर्निंग का बोल के उनके घर जल्दी ही आ जाती हैं। तो उनके घर पे उनकी बुआ मिलती हैं तो बोलती हैं कि दरवाज़ा जब खोलती हैं लक्ष्मी तो बोलती हैं कि अनंतिका का है। तो वो बोलती हैं कि वो तो दीदी अभी बाहर निकली हैं, उनसे कोई मिलने आया था तो उनके साथ वो जस्ट अभी निकली हैं। तो कहती हैं कि क्या? तो कहती हैं कि हाँ। तो फिर कहती हैं कि ये कहाँ गई? तो फिर वो फ़ोन लगाती हैं और फ़ोन लगाने के बाद कहती हैं कि कहाँ है बे तू, तेरे को फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन ना फ़ोन उठाना है ना कुछ। तो कहती हैं कि अरे वो मैं प्रियंका के साथ सिमरन के घर आई हूँ। तो कहती हैं हमारी जो सिमरन होती हैं वो आती हैं नीचे, देखती हैं कि नीचे अनंतिका खड़ी हैं प्रियंका दी के साथ। तो इधर जो होता है कि और कहते हैं चल तू रख, मैं बाद में तेरे को फ़ोन लगाती हूँ, यहाँ सिचुएशन गड़बड़े थोड़ा। तो वो सामने देखती हैं कि उनकी जो सासू माम होती हैं मतलब दमयंती जी होती हैं वो खड़ी होती हैं और उनके ससुर जी वो भी ऑफिस चले गए होते हैं मतलब रमेश कुमार जी। और प्रियंका बोलती हैं अंदर जाती हैं, कहती हैं कि मॉम मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ कि आप मेरा स्वागत नहीं करोगे? तो कहती हैं कि हाँ हाँ बेटा आओ ना। और वो मतलब दांत पीस के ही रह जाती हैं अनंतिका को देख के और वो अपना सामान लेके अंदर चली जाती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारे ससुराल वाले तो कहती हैं कि मॉम उनकी बात छोड़ो, आप अपनी बात करो, आपको लगता है कि आप दोनों इन दोनों को अलग कर दोगे तो आप सबका प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा? तो कहती हैं पर बेटा, तो कहती हैं कि बेटा बेटा कुछ नहीं है मॉम, डैड को बुलाइए आप, मुझे डैड से बात करनी है। तो कहती हैं कि ठीक है। अरे हाँ यार मेरे को एक चीज़ बतानी है, तो मुझे अभी अभी याद आया, किसी ने मुझसे पूछा कि आपके उसमें आपके हर एक स्टोरी में गुलाब का फूल क्यों होता है? तो मुझे बेहद खुशी है कि किसी ने इस बात को नोटिस किया और ये बात को नोटिस करके उसने मुझसे ये सवाल किया और जो सवाल किया और जो खुद से ही सवाल भी किया और खुद से ही जवाब दे दिया। तो मैं हर एक स्टोरी में जो मैं एक टाइटल और जो एक पोस्टर यूज़ करती हूँ उसका अलग अलग मतलब होता है, ठीक है? तो हर एक स्टोरी में गुलाब इसलिए है कि पैर एकदम गुलाब की तरह होता है, खूबसूरत दूर से दिखता है मगर हज़ारों कांटे होते हैं, अगर नज़दीक जाओ तो उनके कांटे सबसे पहले तेज़ चुभते हैं, जैसे कि हमारे रिश्तेदार होते हैं जो सबसे पहले तेज़ चुभते हैं हमें। और बस वो होता है ना कि उस गुलाब की तरह पैर खूबसूरत और बहुत ज़्यादा
खुशनुमा माहौल को बना के रखता है, मगर जब वो मुरझा जाता है तो ना उसमें से खुशबू आती है और ना ही वो प्यार रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जिसके साथ प्यार होता है कभी कभी ख़त्म हो जाता है, जैसे कि प्यार की खुशबू, मतलब जैसे कि गुलाब की खुशबू और उसका खूबसूरत पना ख़त्म हो जाता है। तो दैट्स वाई कि इसी वजह से मैंने गुलाब का फूल यूज़ किया है। ठीक है, तो चलो अब अपने स्टोरी पे आते हैं। तो बता दिया कि मैंने यूज़ क्यों किया और ये भी बता दिया कि उसका मतलब क्या रीज़न है। अब स्टोरी पे आते हैं, स्टोरी में क्या बातें होती हैं। तो उनकी मॉम अपनी मॉम को बोलती हैं प्रियंका कि डैड को आप बुलाओ, मुझे डैड से बात करनी है। तो उनकी डैड को वो फ़ोन करती हैं और तब तक वो सिमरन रणतिका को घूर रही होती है और इधर प्रियंका देख रही होती हैं कि हमारी रणतिका उनके आँखों को देखते हुए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रही होती हैं। बट कहते ना कि इंसान पैर में डीट बन जाता है, कुछ ऐसा ही हाल हमारी अनंतिका का हो चुका होता है। वो जानबूझ के कह वो मन ही मन सोच रही होती है कि आप कुछ भी कर लो सासू मॉम तो मैं आप भी वो बनाऊंगी और किसी को नहीं। तो इधर इनके डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि प्रियंका तुम यहाँ? तो कहती है हाँ डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो कहती हैं कि तुम इसको क्यों लेके? तो कहती हैं कि डैड आप प्लीज़ इस बात को यहीं रहने दें और आप मेरे साथ चलें। तो कहते हैं कि ठीक है चलो। वो जाते हैं और दोनों स्टडी रूम में बैठते हैं और पता नहीं क्या उन दोनों में बात होती है, खैर हम इसको सीक्रेट रखते हैं। और इस बात को सीक्रेट रखने के बाद हम आगे रिवील करेंगे तो उन दोनों में क्या बात हुई थी। तो फिर बाहर आते हैं उनके डैड और वहाँ से वो बोल के चले जाते हैं कि हम ऑफिस जा रहे हैं। तो दमयंती जी अनंतिका को घूरे जा रही होती हैं। तो कहती हैं कि मॉम आज से ये अनंतिका यहीं पे रहेगी। तो कहती हैं क्या ये क्यों यहाँ पे क्यों रहेगी? हाँ ये अपने घर जा कर रहे ना। तो कहती हैं कि मॉम मैंने डैड से बात कर ली है और डैड से बात मेरी हो चुकी है, तो प्लीज़ आप ये मत करें, आपको पता है ना कि आपको ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहते हैं कि हाँ बट तुम इसकी साइड क्यों ले रही हो इतनी? तो कह रही हैं कि मॉम क्योंकि मुझे पता है कि छुटकी इससे प्यार करती है और इन दोनों को अलग किया तो ये दोनों ही नहीं रह पाएंगे, आपको समझ में आ रहा है? तो कहती हैं कि मॉम उनका हाथ पकड़ती है अपनी माँ का और कहती है कि मॉम प्लीज़ आप एक बार इन दोनों को मौका तो दें, प्लीज़ एक बार आप अनंतिका को समझने की कोशिश करें, वो जितनी अच्छी है ना उससे अच्छा इंसान हमारे सिमरन के लिए नहीं मिल सकता है। बट बेटा सोसाइटी, कहती है कि सोसाइटी मॉम सीरियसली? तो कहती है कि हाँ बेटा हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लिए सोचना भी पड़ता है। कहती है कि अभी भी आपको अपने बच्चों का नहीं आपकी सोसाइटी की पड़ी हुई है। तो कहती हैं कि ऐसा नहीं है बेटा। तो कहती हैं कैसा है मॉम आप ये समझाओ, ये दोनों नहीं बोल रहे हैं मगर मैं चुप रहने वालों में से नहीं, आपको पता है और मैं कुछ नहीं जानती, अगर अनंतिका यहाँ से गई तो मैं अपने ससुराल से यहाँ आ जाऊँगी। तो कहती हैं कि बट ठीक है जब तुम लोग यही चाहते हो तो ठीक है। वहाँ से वो चली जाती हैं और फिर देन आती हैं फिर थोड़ी देर में और कहती हैं प्रियंका इधर अनंतिका से कहती हैं कि चलो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया, मैंने बात कर ली। तो कहती हैं कि दी बट आपने बोला क्या कि आपके डैड और इतनी जल्दी मान गए? तो कहती हैं कि कुछ नहीं वो वक्त आने पर बताऊँगी, तुम टेंशन मत लो और हाँ अपना 100% दो और मेरे मॉम डैड को पटाने में कोई कसर मत छोड़ना, समझे? तो और मैं नहीं चाहती कि मेरा जीजा कोई और बने, उनकी गाल खींचते हुए जाती हैं और कहती हैं कि चल। तो कहती हैं कि दी मैं छोड़ देती हूँ आपको। तो कहती हैं कि नहीं मैं चली जाऊँगी। और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सिमरन को एक बड़े प्यार से हक कर लेती हैं हमारी अनंत का और कहती हैं कि आई मिस यू यार।
तुम्हें पता नहीं है ये 2-3 घंटे मेरे कैसे बीतते हैं। तो हाँ कहती हैं कि बट अनंत आप यहाँ कैसे? तो कहती हैं कि बस जाने मन तुम्हारे प्यार में हमने क्या क्या नहीं किया, कभी सलीम कभी दीवार में चुनवाए गए। कहते हैं कि बस बस नाटक मत करो, ये बताओ सच में कैसे। और डैड ने क्या? तो कहती हैं कि ये सारा आइडिया तो डैड का ही था। तो कहते हैं क्या? तो कहते हैं कि हाँ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती हैं कि ना कल प्रॉब्लम थी ना आज प्रॉब्लम है ना हमारे डैड को आगे होगी कोई प्रॉब्लम। तो कहती हैं कि अच्छी बात है ना, एटलीस्ट कोई तो माना हुआ है हमारे फेवर में है। तब तक वहाँ पर डोर पर नॉक होता है, तो इधर प्रिया भी आ चुकी होती है उनके घर। तो दरवाज़ा खोलती है जाके हमारी सिमरन, कहती है कि आप यहाँ? तो कहती है कि हाँ मैं वो यहाँ पे अनंत का आई थी ना। तो कहती है कि हाँ। तो अंदर आती है तो देखती है कि सामान उमान के साथ यहाँ पे अनंत का खड़ी हुई है। तो कहती है कि तू यहाँ क्या कर रही है? अंकल ने देख लिया ना तो तेरे टांगे तोड़ के रख देने हैं। तो कहती है कि पागल है क्या, सारी सेटिंग हो गई है अपने कोट को चढ़ाते हुए कंधों पे। कहती हैं कि अच्छा वो कैसे हुआ मेरे को ये बता। तो कहती हैं कि अरे भाई अपन बड़े पहुँच वाले लोग हैं, ऐसे छोटे मोटे काम हम नहीं बताते। ऐसे कहती हैं अच्छा अगर बेटा तूने नहीं बताया ना तो ये देख ले लपाड़े तेरे कान पे ऐसे पड़ेंगे ना कि दिमाग तेरा ठिकाने आ जाएगा, जल्दी बोल। तो कहती अरे यार तू तो हद है यार, मैं बताती हूँ ना तू डोमेस्टिक वायलेंस पे। कहते हैं तू ना ज़्यादा ना दिमाग मत चला, सीधे सीधे बता हुआ क्या था। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है बता रही हूँ। तो मैंने प्रियंका दी को फ़ोन किया, प्रियंका दी को बताया, प्रियंका दीदी ने सब सेटल कर दिया और अभी मैं यहाँ रहूँगी अपने ससुराल में तो अपने बीवी के साथ। तो कहती हैं कि अच्छा ओ बट्टे की इधर मतलब तू बेटा लंबा अपने हाथ मारा है अपने ससुराल में ही पढ़ने का बेटा, मगर देख लियो खातिरदारी बहुत ज़ोरदार तेरी होगी। तो कहती है कि हाँ हाँ पता है, पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ, भगवान बचा लेना प्लीज़। तो कहती है कि डोंट वरी प्रिया मैं ध्यान रखूँगी, सिमरन बोलती हैं। तो कहती हैं कि भाभी आपको पता नहीं है कि बहुत लोगों का ध्यान ख़राब हो जाता है ससुराल में रह के, तो देखते हैं कैसे ये मैनेज करती है। खैर मैं चलती हूँ, मुझे लगा है कि कुछ प्रॉब्लम ना हुई हो इसलिए मैं आ गई यहाँ पे, सब ठीक है तो अब मैं जाती हूँ। तो वो चली जाती है, कहती है चल मैं बाद में मिलूँगी तेरे से। तो उधर चली जाती है। इधर जो होता है इनके मॉम डैड जो होते हैं इनकी मॉम को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मेक श्योर कि ये दोनों एक कमरे में ना हों, अगर ये दोनों एक कमरे में हुए तो दमयंती जी अच्छा नहीं होगा। तो वो घबरा के फ़ोन जो ली होती है वो रख देती हैं और जाती हैं और सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतरते हुए आती हैं और कहती हैं कि यहाँ पे तुम्हारा रहना मंजूर हुआ है, तुम लोग ये मत सोचना तुम दोनों कि तुम दोनों एक साथ एक रूम में रहोगे, ठीक है चलो यहाँ से निकलो। तो कहती हैं कि बट सासू मॉम ऐसे कैसे है? आपने हमें मौका ही नहीं दिया। तो कहती है अच्छा मौका चाहिए बेटा तुम्हें दिखाती हूँ मैं मौका। और वो अपने घर के नौकर को बुलाते हैं और उनका सामान गेस्ट रूम में रखवाती हैं। कहती हैं बट मॉम सिमरन बोलती हैं आप इनके सामान गेस्ट रूम में? कहती हैं कि सिमरन जितना मैंने बोला ना उतना ही किया करो, ठीक है ज़्यादा तरफदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है तो अब भुगतना तो पड़ेगा ही इसको। तो कहती हैं कि इधर आती हैं और अपने सासू मॉम के पास कहती कि हाय आप सासू मॉम गुस्से में भी कितनी क्यूट लगते हो यार, आपको पता है ये रेड रेड नोजीज मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि सिमरन के पास गुस्से में होती तो उसकी रेड नोजीज क्यों होती हैं, बट आज पता चला ये तो ख़ानदानी है। क्यों आप सोचो अगर आप ना शादीशुदा ना होती ना तो मैं आपको पटा लेती, ऐसे उनको मक्खन लगा दे। हाँ बेटा मतलब तुम इतने भी नहीं हो कि मतलब किसी को भी पटा लो। और मैं ना मैं भी दमनती हूँ,
ठीक है, मुझे इतना आसान नहीं है पटाना, और देख लूँगी तुम्हें, देखती हूँ तुम कैसे इस घर में टिक के रहते हो। तो कहती हैं कि अरे सासू मॉम, हम तो अब टिक ही चुके हैं, अब क्या ही बोलें, कहाँ जाएं, अब कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा। तो खैर चलिए, हम दोनों का तो साथ बना ही रहेगा, क्यों, सही कह रहे हैं ना। तो अच्छा ठीक है देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। और वहाँ से वो दमयंती जी चली जाती है, और इधर सिमरन कहती है ये क्या था, अब ये क्या कर रहे थे मॉम के साथ। तो कहते हैं कि अरे टेंशन मत लो, हमारे बीच की बात है, ये सास और दामाद की, तुम सिर्फ देखते रहो मैं कैसे तुम्हारे मॉम डैड को अपने मुट्ठे में करती हूँ। तो कहते हैं हाँ हाँ ज़्यादा कूदो मत, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो ना कि ऐसा मिर्ची लगे आपको कि। तो कहते हैं कि मिर्ची नहीं यार प्लीज़, मीठा तो मीठा दे दो ना, ऑलरेडी बहुत मिर्ची लग चुकी है, पता नहीं है मेरे सासू माँ मेरे साथ क्या क्या करेंगी, क्या क्या अत्याचार करेंगी, प्लीज़ प्लीज़ मीठा। तो कहते हैं कि अच्छा मीठा चाहिए, उनके पैर पे वो दी मारती हैं सिमरन, और वहाँ से चली जाती है। कहती है यार खिसियानी बिल्ली, ये मैं भी सोचूं ये कैसे हो सकता है, दो एक घर में दो दो खिसियानी बिल्लीज। तो कहती है खैर कोई बात नहीं, दोनों बिल्ली तो मेरी ही हैं। तो ऐसे अपने पैर को थोड़ा सा सहलाते हुए और कहते हैं कि अब स्टार्ट कहाँ से करूँ, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। तो कहती हैं कि अब सासू मॉम को पटाऊँ या पहले ससुर जी को। तो देखते हैं दोस्तों हमारी सिमरन जो है, हमारी सॉरी अनंतिका जो है, किसको पटाना पहले स्टार्ट करती हैं, अपने ससुर जी को या अपनी सासू मॉम को, या दोनों मान जाएंगे, या हमारी जो अनंतिका है या अनंतिका की स्वीट क्यूट बातें उनको पटा पाएंगी, वो अपनी बातों के चंगुल में क्या अपने सास ससुर को फंसा पाएंगी, क्या सिमरन को वो इतनी आसानी से पालेंगी जितनी आसान उनको लग रहा है ये ज़िंदगी। तो कुछ नहीं, देखते हैं, ज़िंदगी के कुछ अलग ही रंग होते हैं, कुछ अलग ही कहानी होती है जो आप सबको मेरी ज़ुबानी सुनने की होती है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें, और स्टोरी को आगे सुनने के लिए आपको यार सच में बताऊँ क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। बाय।